किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं हम अपना मरहम, पता नहीं कब से मांगते हैं। वह भीख भी मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक अधिकार भी कितने अदब से मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। फिलहाल हमारे देश में अमृत काल से बदलकर अब कर्तव्य काल हो गया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए जो संविधान में प्रदत्त है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की जो हक अधिकार दिए गए हैं, उन हक अधिकार को मुकम्मल तरीके से उन वर्गों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार उनकी बात नहीं कर रही है। लेकिन आज हम जो मूल मुद्दे पर आए हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी जो भी फैसला लेती है बसपा उसे लेकर चलती है, और बसपा का अपना एक कैडर वोट है। कैडर वोट का मतलब यह कि कट्टर वोट, और कट्टर वोट यानी चाहे हर हालत में बहन मायावती जी जीत रही हैं हार रही हैं वह बसपा को ही वोट देगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक कैडर वोट है जिससे भाजपा घबराती है। और रही बात ये, बिहार में आरजेडी का भी कैडर वोट है यानी कट्टर वोट जो राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट दे। तो भाजपा सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, तेजस्वी यादव जी के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ते हैं, कभी सीबीआई के फाइल खोल दिए जाते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिए जाते हैं, कभी वहां से बेल करा के वो बाहर निकलते हैं। कहने का तात्पर्य यह, ये दो पार्टियां खटकती हैं केंद्र सरकार के नजरों में, भाजपा के नजरों में। अब प्रश्न ये उठता है कि आरजेडी के ऊपर तो बार बार जांच हो रही है, अंदर बाहर का खेल हो रहा है, आरजेडी को कमजोर करने की एक साजिश फैलाई जाती है, कोशिश किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा कि आरजेडी कमजोर हो ताकि बिहार में हम भाजपा की सत्ता कायम करें। वहां 40 लोकसभा सीट है, और 40 लोकसभा सीट में भाजपा की यह उम्मीद रहती है कि हम 40 में 40 लेंगे। वह इधर उधर से सपोर्ट भी लेते हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, उन लोगों को शामिल करके कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी संख्या में हम बहुमत प्राप्त करें। हम लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में है, इनका अपना कैडर वोट है जिन्हें आप कट्टर वोट कह सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज पसंद करती है बसपा को। बसपा को चुप कराने के लिए बहन मायावती जी को कैसे चुप कराया जाए, इनका रथ आगे ना बढ़े, इसके लिए भी साजिश होती है। अब बहन मायावती जी के भाई हैं आनंद कुमार, आनंद कुमार की पत्नी है विचित्रा, विचित्रा के नाम से फाइल खोल देते हैं कि आपने 226 पता नहीं सवा 200 फ्लैट खरीदे थे, उस फ्लैट में आपने इतने का मुनाफा लिया था, बिल्डर से आपने 46% कम करा के फ्लैट खरीदा था और आपने महंगे दामों में बेचा, तो ये बीच का जो पैसा है ये घपला है। इस तरह के पुराने पुराने 15 साल 20 साल 25 साल मुद्दे, पहले का जो है मुद्दा उठाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके भी पुत्र जैसा जो है बिजनेसमैन है, क्या आपको लगता है जब कांग्रेस शासन में आएगी तो उनके पुत्र का जो व्यापार है उसमें कहां कहां लाभ हुआ है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, क्या इसकी भी जांच बिठाएगी? और देश की जो राजनीति है, अथवा केंद्र सरकार की हो अथवा राज्य सरकार की, वह जनता के लिए है, जनता के सुख दुख के लिए है, अथवा व्यक्तिगत अपना मन मुटाव निपटाने के लिए है, किसी को कमजोर करने के लिए है? इस प्रकार से जो है चल रहा है। पहले चलता था अमृतकाल, अमृतकाल से आम जनता थक गई, अब इसका शुरू हुआ है कर्तव्य काल। अब कर्तव्य काल में यह तय करना जरूरी है कि जनता का कर्तव्य सामने आएगा अथवा सत्ता का, शासन का। शासन सत्ता बरकरार है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, और इस कर्तव्य काल में जनता अपना कर्तव्य कितना बढ़िया तरीके से निभाती है, कितना वोट मिलता है भाजपा को, यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो है बहुजन समाज, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज आते हैं, जब इनको कहीं से कोई लेफ्ट कॉर्नर नहीं मिल पाता,
धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू बन जाते हैं। बहुत सारे आपने बहुजन चिंतक देखे होंगे, जो नाम से वो बहुजन चिंतक हैं, बहुजन समाज की चिंता करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो कहीं कहीं से कांग्रेस के नेता पाए जाते हैं। क्या कांग्रेस उन्हें सही जगह कुर्सियां देती है, कोई सही पहचान देती है? यह भी सोचने का विषय है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या मान्यवर काशीराम जी से एक सवाल हुआ था, एक आदमी ने सवाल किया था, आप किस जाति से हैं? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं किस जाति से हूं यह तुम रहने दो, तुम जिस जाति से हो उस जाति के लिए तुम क्या करते हो, कम से कम इसके बारे में सोचो। आज कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अथवा कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन उन दलों में रहने वाले बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं? क्या 131 सांसद जो रिजर्व कोटे से चुनकर संसद में पहुंचते हैं, क्या बहुजन समाज के मुद्दों पर कुछ बोलते हैं, क्या उनका बहस करते हैं? जैसे इमरान प्रताप गढ़ी, वो तो अच्छा भाषण दिया, ये कांग्रेस के नेता है और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इन्होंने कहा कैसा सबका साथ सबका विकास, बहुत सारे नेता तो ट्रेवल एजेंसी खोले हुए हैं, बार बार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम भारत के वासी हैं, भारत के बीच में हमारा दिल बसता है, हम भारत के लिए लड़ेंगे, हम भारत के इमरान हैं। तो इस तरह का भाषण कभी कभार सुनने को मिलता है, लेकिन बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बहुत सारी योजनाएं होती है, उन योजनाओं का क्या वो बखान व्याख्या करते हैं, समाज के बीच जाते हैं और समाज में ये कहते हैं कि भले ही मैं कांग्रेस पार्टी में हूं लेकिन तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, समाज तो एक बहुत बड़ा है बहुजन समाज, और इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान काल चल रहा है ये शब्दों का काल कह लीजिए, कभी अमृत काल हो जाता है, कभी कर्तव्य काल हो जाता है, कभी कोई SC ST पे हमले होते हैं, कभी पेशाब कर दिए जाते हैं, कभी मानहानि कर दी जाती है, कभी घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चलना आम बात है, आप छोटा मोटा अपराध कर लीजिए और निशाने पे आ गए तो बुलडोजर चल जाएगी, मकान आपकी गिरा दिए जाएंगे, आपका आशियाना बिखर जाएगा, ये काल चल रहा है वर्तमान में। तो ये आम जनता को सोचने की जरूरत है कि आने वाली सत्ता कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2014 में सुना था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और पिछले 10 सालों से मोदी सरकार है और महंगाई वहीं की वहीं है, मुंह बाए हुए है, सब्जियां अपनी रेट जो है चौथे आसमान पर पहुंच गई है सब्जियों का रेट, और बाकी चीजों का भी रेट कोई कम नहीं है, जनता त्रस्त है, परेशान है, और यह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।